ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन अखिलेश और जयंत चौधरी मिलकर भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस पश्चिम यूपी में भाजपा ने 2017 में अपना कमल खिलाया, वहां सपा और रालोद कैसे टक्कर देंगे। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए चलती बस में ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यादव जी मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। वहीं अगर जयंत चौधरी जी की बात की जाए तो जयंत चौधरी जी किसानों के मसीहा, यानी कि इनके दादाजी किसानों के मसीहा, तो दोनों एक बार फिर निकले हैं। सर क्या ये जोड़ी एक बार फिर नंबर वन बनेगी? ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन परिवर्तन ला रहा है और किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हक के लिए दोनों मिलकर के आगे आए हैं। नकारात्मक राजनीति खत्म हो, जो समाज में बंटवारा करते हैं वो खत्म हो, एक बार पुनः जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो एक दूसरे के साथ रह करके जो लगातार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ खुशहाल बनाया, एक बार फिर उसी दिशा में हम दोनों मिलकर के चले। सर जो आपने संकल्प पत्र दिया है, क्या एक बार जनता को ये बता दीजिए कि आप उस संकल्प पत्र में जो जो बातें लिखी हैं क्या वो पूरी होंगी? क्योंकि हमेशा संकल्प पत्र देखे हैं जनता ने, जनता एक बार जानना चाहती है। सर ये समाजवादी पार्टी ने जब भी अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र दिया होगा और जनता का भरोसा अगर मिला है तो उसको पूरा किया है। एक सवाल और, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी मौजूद थे और आपने कहा कि बीजेपी वाले कोरोना बांट रहे हैं, तो सर वो कोरोना कैसे बांट रहे हैं? एक सवाल छोटा सा। नहीं, जहाँ तक हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का अभी दो दिन पहले जो कार्यक्रम देखे हैं उसमें जिस तरीके से बिना मास्क लेकर के हम लोग तो लगातार पालन कर रहे हैं, और आज क्योंकि आपसे बातचीत हो रही इसलिए मास्क नहीं है, नहीं तो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कार्य में कोशिश करते कि मास्क लेकर करके जाएं। लेकिन बीजेपी के लोग जो पर्चे बांट रहे हैं वो सुनने में आया है कि पहले उसको चाट रहे हैं और फिर पर्चे बांट रहे हैं। अब दो सवाल जयंत चौधरी जी से भी कर लेते हैं। जयंत चौधरी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का एक बड़ा रसूख है और पहले से रहा है, और एक बार फिर अब आप मैदान में हैं, तो इस बार ये जोड़ी क्या नंबर वन बनेगी? वही फिर एक सवाल। ये जनता तय करेगी। सवाल ये है कि हम दोनों की सोच साफ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया विकास हम करें, जो परिवर्तन जनता चाहती है। मूलभूत जो हमारी संविधान, जो हमारी समस्याएं हैं प्रदेश की, जो चुनौतियां हैं, उनसे हम मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ये विचारधारा कितनी लंबी चलने वाली है? राजनीति में हमेशा पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ कौन किसके खिलाफ। मैंने कल उसमें एक डायलॉग बोला था और वो सच्चाई है। मैं ऐसे पलटने वाला नहीं हूँ, सोच समझ के और लंबे दौर। मैं चवन्नी नहीं हूँ कि पलट जाऊँ जो आपने कहा था। जी देखिए, ये जयंत चौधरी और अखिलेश जी की जो जोड़ी है, ये जोड़ी अब नंबर वन बनने जा रही है, ऐसा कहना। कैमरामैन रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।